गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज गोवा का सेकंड डे है नाउ, और ये गोवा का आज है सेकंड डे। और हम लोग रूम में बहुत मस्ती किए और सबके सब खत्म थे और इसकी तबीयत भी खराब थी, बट हमने बहुत एंजॉय किया। इतना रात में तबीयत खराब थी गाइस, और इन्होंने एक्चुअली मैंने पैरासिटामोल खाया और जबरदस्ती मेरे को लेके गए बाहर में, बीच में वॉक किया, अच्छा एंजॉयमेंट हुआ। तो 8:30 बजे हम उठे, दिनचर्या किया, उसके बाद मेरी चाय पी के अभी जाएंगे पूल में। स्कूटी कर लिया, 3 स्कूटी किया, 500 प्लस 1 स्कूटी का और बाकी 2 स्कूटी का 400। ड्राइवर है, चालान खतरनाक कटेगा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज अ फैंटास्टिक, वेरी वेरी फैंटास्टिक। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गोवा के, पूरा फुल एंजॉय। मेरा रोमी का फोटो ले रहा है। ओके, गोवा सब लोग आए टाइम टाइम पे, और मेरा भाई भी आया, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। इट्स रियली गुड थिंग फॉर अस एंड आवर फैमिली। और जो कैमरामैन पकड़े हैं जितेंद्र सिंह, वो भी एक फैमिली मेंबर ही हो गया पूरा। गोवा में हर जगह ऐसा कुछ कुछ आपको स्पॉट मिल जाएगा जहाँ फोटो लेने के लिए, मतलब अच्छा अच्छा लोकेशन होगा, तो बस यहाँ चालू हो गया फोटो वोटो खींचना। पर यार एंजॉयमेंट बहुत होगा, स्टे ट्यून गाइस। अच्छा, हम लोग एक ऐसे जगह में पहुंचे, चर्च तो मैंने एक्चुअली बहुत देखे हैं, चर्च के पास पहुंचे एक्चुअली, चर्च तो बहुत देखे, लेकिन ये एक्चुअली जो चर्च का व्यू है सब करना सही लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव देखिए। सही लग रहा है यार, आज इतनी गर्मी है ना, मतलब गोवा में कहते हैं कि ठंडा तो होता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है। मेरा वाट लग गया इसलिए मैंने हाफ पहना, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रहा है एक्चुअली। अभी निकलना ही बेटर होगा, धूप है तो भाई लग गई वाट यार, बहुत गर्मी यार, मतलब समझ रहे हो, मेरा स्किन ही काला पड़ जा रहा पूरा अभी। इसमें भी गर्मी लग रहा है मेरे को, सोचो इतनी गर्मी है। हम लोग खाने के लिए अच्छे से बैठे हैं इस रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट है व्हाइट हॉल में है ये रेस्टोरेंट। खाना तो असम है, बढ़िया है, टेस्ट अच्छा लगा, मच्छी का टेस्ट बहुत अच्छा। गोवा में अगर आया तो कितना खुश हो गए भाई पापा। ना देखने के लिए आ रहे हैं खाना खाने के बाद में रेस्टोरेंट में, अभी यहाँ पे आया थके आ रहे हैं एक्चुअली, थक गए हैं, मैं बहुत टायर्ड हो गया, पसीना पसीना हो गया, बहुत धूप है, मतलब फिर भी सही लग रहा है, आने में अच्छा लग रहा है, इन्जॉयमेंट है, स्कूटी में चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक जगह में आया, फोर्ट है, उस ज़माने में बनाया हुआ फोर्ट अभी भी वैसा ही है, और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। लग रहा लाइट हाउस, हाँ वही है लाइट हाउस, बड़ा सा लाइट हाउस है, उस जमाने में बनाया हुआ राजा महाराजा लाइट हाउस है। और ऊपर आप जाओगे तो यू कैन सी द टोप एंड ऑल, जहाँ से उनको रोकने की कोशिश की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे पास इतना अच्छा आधुनिक चीज़ें नहीं थी, जिस वजह से वो लोग एंट्री कर लिए। और दिस इज द फोर्ट विद द लाइट हाउस, वही लग रहा है। ये किसका फोटो है एक्चुअली, किसका फोटो है लाइट हाउस, किसका फोटो है, किसका फोटो है, कौन से राजा वगैरह पता नहीं, मालिक खान जिसके ऊपर खड़े हैं वहाँ पे एक्चुअली इसके नीचे जेल है, और बस एक सोलर का लाइट यहाँ पड़ता था, इस तरह से बनाया गया था इस जेल को कि लोग यहाँ से भाग ना पाए, भागने का रास्ता कहीं नहीं था इधर।
भाई ये मॉडल किधर है भाई? हम तो इधर है, ये नीचे वाला कहाँ है? और ऊपर जाके दिखेगा लाइट हाउस के पीछे की तरफ दिखा रहा है, मतलब इस तरफ उस तरफ उस तरफ। हाँ चलो मेरे को बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है? तो नहीं बोल रहा अभी, बारिश के टाइम में नहीं आना अभी यहाँ पे। आप से लुड़कों की सीधे एंड तक। ये बहुत बड़ा जंगल है, अलग जंगल है। यार आने से पहले बहुत थक गया था यार, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, गुड फील गुड, मन को थोड़ा सुकून मिल रहा है कि थोड़ा शांति थोड़ा अच्छा हो गया। और व्यू जो व्यू देखे जो मज़ा आ रहा है ना, वो समुद्र पूरा ओशन एक तरह से पूरा सिटी दिख रहा है यार, बहुत बड़ा सिटी टाप हो गया थोड़ा उसको प्लस सी, और ये मज़ा आ गया है, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा देख के ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे यार। तो चलो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ में। सो इतना कहना चाहूँगा, स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Planning ahead. अरे ऊपर देखिए भाई, और यहाँ बाद में पारी हो रही है। साली को मैंने देखना छोड़ दिया है। जब से तू मेरे भाई की हो चुकी है।